जगाए, जब एक छोटी सी बच्ची भगवान के रेकी के ट्रस्ट पे या रेकी की हेल्प से अगर इतने पैनिक सिचुएशन को हैंडल कर सकती है तो हर बच्चा कर सकता है। नमस्ते, मैं शालिनी मिश्रा नैनीताल से आप लोगों से एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कल का। यहाँ पे कल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बहुत ही वेदर कंडीशंस ख़राब थी। ऐसे में मेरी नेबर का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और हमें हेल्प के लिए बुलाया गया कि क्या हम कुछ हेल्प कर सकते हैं या नहीं। मैं अपनी छोटी डॉटर को लेकर गई थी, शी इज़ जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड। आध्यात्मिक विकास से इसने, विकास गुरु जी से इसने रेकी सीखी है। मैं लेकर गई, वो लेडी बहुत पैनिक कंडीशन में थी और सारे बड़े लोग भी उनके घर में सारे पैनिक हो रहे थे क्योंकि वो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। कोई भी यहाँ पे उनको वेदर की वजह से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अवेलेबल नहीं था और काफ़ी रात हो गई थी। मेरी डॉटर ने मेरे साथ हीलिंग में मेरी काफ़ी हेल्प करी। इसने गुरु जी को याद किया और रेकी कॉल किया, सिंबल डाला, हाफ एन आवर तक वो मेरे साथ हीलिंग में मेरी हेल्प करती रही। आधे घंटे में लेडी बिल्कुल स्टेबल हो गई थी और मैं सभी पेरेंट्स को अपने कल के एक्सपीरियंस के बाद एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैंने ये देखा कि अगर एक छोटी सी बच्ची इतने पैनिक सिचुएशन को, जहाँ बड़े बड़े लोग भी घबरा गए थे, रोने लगे थे उस लेडी की कंडीशन देख करके, अगर इतनी छोटी बच्ची इतनी कॉन्फिडेंस हो सकती है कि वो अंदर से, उसको एक इनर स्ट्रेंथ था कि मैं सिचुएशन हैंडल कर लूँगी, तो मुझे लगता है कि दुनिया के शायद हर बच्चे को राइट बनता है कि वो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले, और ये कॉन्फिडेंस रेकी से सीख कर ही बच्चा ले सकता है। हम अपने बच्चों को एज अ पेरेंट सब कुछ देते हैं, मॉल ले जाते हैं, एक्सपेंसिव ड्रेसेस देते हैं, उनके टॉय पे, एंटरटेनमेंट पे शायद एक एक दिन में 3,000-4,000 रुपये स्पेंड कर देते हैं, बहुत सारा टाइम उनको मूवी दिखाने में लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं। बट क्या हमने कुछ ऐसा इनर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए कोई स्टेप लिया है? मुझे ऐसा कल लगा कि हर बच्चे को सबसे पहला जो हम हर पेरेंट को पेरेंटिंग का एक जो पहला स्टेप लेना चाहिए वो ये कि अपने बच्चे के अंदर वो एक अंदर की शक्ति को जगाए। जब एक छोटी सी बच्ची भगवान के रेकी के ट्रस्ट पे या रेकी की हेल्प से अगर इतने पैनिक सिचुएशन को हैंडल कर सकती है तो हर बच्चा कर सकता है। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर पेरेंट को, प्लीज़ 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 अपने बच्चे को रेकी सिखवाइए। रेकी से बच्चे की सिर्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं है, बच्चे का इनर स्ट्रेंथ जगता है, बच्चा राइट और रॉन्ग के डिफरेंस को अपने आप ही समझता है। एंड इट इज़ सेड देन हाफ ऑफ द बैटल इज वोन व्हेन द किड इटसेल्फ इज मैच्योर एनफ टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो वो चीज़ जब बच्चे के अंदर आएगी, वो चीज़ बच्चे को शायद हर चीज़ को जीतना सिखाएगी, हर सिचुएशन को हैंडल करना सिखाएगी। ये मैंने अपने दोनों बच्चों में देखा है। कल इस एपिसोड के बाद से यहाँ के सारे पेरेंट्स मेरे से ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन क्या चीज़ है बच्चे के अंदर जो उसको इस तरह से इतना कॉन्फिडेंट और इतना बैलेंस्ड बना करके रखी हुई है कि जहाँ बड़े लोग भी इतने परेशान हो गए थे, वहाँ ये छोटी सी बच्ची कैसे इतनी बैलेंस्ड है। मैंने सबको बताया कि शी इज़ अ रेकी हीलर, इसने रेकी सीखी है एंड द ब्लेसिंग्स विच शी इज़ गेटिंग इज़, कल से इसको बहुत ब्लेसिंग्स भी मिली हैं क्योंकि शी हैज़ हेल्प मी इन सेविंग अ लाइफ। और मैं सभी पेरेंट्स को बोलूँगी कि आप प्लीज़, रेकी एक ऐसी चीज़ है जो शायद हमें अपने बच्चों के लिए बेस्ट गिफ्ट होगा जो हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे को इनकलकेट करेंगे। मैं विकास गुरु जी की बहुत 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 थैंकफुल हूँ। थैंक्स एक बहुत छोटा सा वर्ड है,
क्योंकि जिस वे में जब मेरी बच्ची ने सीखा था, अभी से 2 साल छोटी थी ये, जिस तरीके से उन्होंने बच्ची को रेकी सिखाई है, वो शायद वो बस विकास जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। बड़ों को सिखाना इजी है, लेकिन बच्चे को इस तरह से सिखाना और वो वैल्यू को अंदर देना करना और उसकी पूरी लाइफ चेंज करना एक गुरु का ही काम है। गुरु जी को मेरा सत 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 नमस्कार। थैंक यू रेकी, थैंक यू एंजल्स। प्लीज पेरेंट्स, आप अपने बच्चे के लिए कुछ अगर करना चाहते हैं तो आप उसको प्लीज रेकी सिखाइए, जिससे आपका बच्चा अंदर से स्ट्रांग बनेगा और अंदर से पावरफुल बनेगा। उसका जब तक अंदर का पार नहीं जगेगा, तब तक वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा। हम पेरेंट्स हर वक्त अपने बच्चे के साथ नहीं हैं, बच्चे के साथ एक पॉजिटिव इनर एनर्जी को लाने के लिए उसको रेकी सिखाइए। नाउ शी विल शेयर हर एक्सपीरियंस। अर्षिता, व्हाट हैव यू एक्सपीरियंस यस्टरडे? Hello. Yesterday night, our neighbor was not well, so we went to her home. I remembered my Reiki guru, Sri Vikas Dugal sir, and I called up Reiki and drew symbols, drew Reiki symbols. I helped my mother by healing auntie. We healed auntie just for 13 half an hour, and she was stable. I give thanks to my Reiki guru, Sri Vikas Dukkal sir. Thank you, Reiki. Thank you, angels. थैंक यू एवरीवन।